एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सुयांग डीमन एम्परर सांगनिंग और टियांसिया रेस्टोरेंट की ओनर के साथ एक जगह पर आया हुआ होता है और यह जगह डेवल क्लैन का एरिया है जिसके ऊपर आज के टाइम पर डीमंस ने कब्जा कर रखा है और टियांसिया रेस्टोरेंट की ओनर अपने डेवल क्लैन के लिए आज दोबारा से यह एरिया अपने कब्जे में लेने के लिए आई हुई होती है और वह वहां पर एक ओल्ड मैन के साथ फाइट कर रही होती है। वहीं पर वह ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इतनी आसानी से मुझसे यह जगह छीन सकती हो। एंशियंट टाइम में मेरे एंसेस्टर्स ने इस जगह को बनाया था। और यह बोलते हुए वह लगातार टियांसिया रेस्टोरेंट की ओनर के ऊपर अटैक किए चला जा रहा होता है। वहीं पर टियांसिया रेस्टोरेंट की ओनर उसके अटैक्स को डॉज कर रही होती है। अब यह सब कुछ देखकर डीमन एम्परर बोलता है, इस पूरे एरिया में एक फ्लेम फॉर्मेशन बनाया गया है जिस वजह से इस ओल्ड मैन की पावर यहाँ पर कई गुना बढ़ गई है। यह सुनते ही सांगनिंग डीमन एम्परर से पूछती है, तो क्या यह जगह स्टार्टिंग से ही ऐसी नहीं थी? डीमन एम्परर उसे बताता है कि नहीं, यह जगह पहले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, पर किसी वजह से इन लोगों ने इस जगह को एक लावा माउंटेन में बदल दिया और शायद से डीमंस यह सब कुछ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अब यह सुनते ही वह ओल्ड मैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे एंसेस्टर्स ने इस एरिया पर कब्जा किया था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद इस एरिया को ऐसा बनाया है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा। यह बोलते हुए वह डीमन एम्परर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी टियांसिया रेस्टोरेंट की ओनर बीच में आते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और बोलती है कि तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ। ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तभी टियांसिया रेस्टोरेंट की ओनर बोलती है, यह जगह पहले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी और यहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट और कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब भी रहा करते थे, पर तुम लोगों ने इस जगह को बर्बाद कर दिया और दोबारा से इस जगह को पहले जैसा बनने में कम से कम 1000 सालों का टाइम लगेगा। ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं, यह सब कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यह जगह मुझसे छीन कर इसे दोबारा से पहले जैसा बना सकती हो? अब मैं तुम्हें इस जगह की असली पावर दिखाता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने फ्लेम स्वॉर्ड को जमीन में दे मारता है और अब उस जमीन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लावा बाहर निकलकर आने लगता है, जो देखते ही टियांसिया रेस्टोरेंट की ओनर गुस्से में अपने पास से एक बो एंड एरो निकाल कर उस ओल्ड मैन को शूट करती है, पर वह ओल्ड मैन एक एरो को पकड़ते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी वह लड़की दोबारा से उस ओल्ड मैन के ऊपर निशाना लगाती है, पर वह ओल्ड मैन उसके उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, तुम यहाँ पर मुझसे नहीं जीत सकती हो, तो बेकार की मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं, और तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर आकर तुम सभी लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। आज यहाँ पर तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यह बोलते हुए वह दोबारा से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे जमीन के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में लावा निकलने लगते हैं और वह ओल्ड मैन उस लावा को कंट्रोल करते हुए सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। यह देखते ही टियांसिया रेस्टोरेंट की ओनर परेशान हो जाती है और अब वह सुयांग से सभी लोगों को लेकर वहां से दूर चले जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वह उस ओल्ड मैन के ऊपर एक अटैक करते हुए उसे फ्लेम स्वॉर्ड से दूर कर देती है और अब वह भागते हुए जाकर फॉर्मेशन के बीच में मौजूद उस फ्लेम स्वॉर्ड को वहां से हटाने की कोशिश करती है, जिससे वह फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो सके। पर तभी काफी ज्यादा मात्रा में लावा अटैक उसी के ऊपर होने लगते हैं, जो देखकर वह परेशान हो जाती है, पर सांगनिंग वहां पर बीच में आते हुए उसे बचा लेती है। वहीं वह ओल्ड मैन बोल रहा होता है, यहां पर तुम्हारे स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम मुझसे यह जगह वापस से कभी नहीं हथिया सकते हो। तभी सुयांग मांडाओ को बाहर बुलाता है और अब वह उसे उस जगह को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए बोलता है। अब मांडाओ आगे बढ़ते हुए अपने होली पैटल रेन टेक्निक का यूज करता है, जिससे वह एरिया वापस से नॉर्मल होने लगता है और थोड़ी ही देर में वहां से लावा माउंटेन गायब हो जाता है और वह पूरी जगह एक खूबसूरत फील्ड में बदल जाती है। वहीं पर यह सब कुछ देखकर उस ओल्ड मैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी डीमन एम्परर बोलता है, तुम सच में मंद बुद्धि हो और तुम्हें यहाँ पर लग रहा था कि इस जगह पर तुम्हें कोई भी फाइट में हराकर तुमसे यह जगह नहीं छीन सकता है, पर सच्चाई तो यह है कि यहाँ मौजूद लावा माउंटेन की ही वजह से तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा उछल रहे थे, पर अब यह लावा माउंटेन गायब हो चुका है, तो
तो अब बस तुम यहाँ पर एक मामूली से कीड़े हो जिसे कोई भी मसल सकता है। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन गुस्से में सुयांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे से टियांसिया रेस्टोरेंट की ओनर एक एरो से अटैक करते हुए उस ओल्ड मैन को मार देती है, जिसके बाद वह वहाँ पर सुयांग को थैंक्स करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक इमॉर्टल माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर बैठकर दो इमॉर्टल्स चेस खेल रहे होते हैं। वहीं पर खड़ा तीसरा इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है और बोल रहा होता है, आखिर अब तक होली सन इस जगह पर क्यों नहीं पहुंचे। यहाँ पर हम सभी इमॉर्टल्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो होली सन को इस जगह पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। और अब यह बोलते हुए वह पैनिक होकर अपने सामने बैठे हुए दोनों इमॉर्टल्स के सामने से बोर्ड गेम को फेंक देता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर इतनी शांति से कैसे बैठ सकते हो। तभी वहाँ पर बैठा दूसरा इमॉर्टल बोलता है, इस जगह पर पैनिक होने का कोई फायदा नहीं, अब यहाँ पर होली सन जब आएंगे तब वही कोई फैसला करेंगे, तो बस हमें यहाँ पर शांति से बैठकर उनके आने का इंतजार करना चाहिए। तभी वह इमॉर्टल बोलता है, बकवास की बातें करना बंद करो। वह डीमंस धीरे धीरे करके सभी इमॉर्टल क्लैंस को डिस्ट्रॉय करके होली अल्केमी लैंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उन्हें जल्द ही नहीं रोका गया तो वह देखते ही देखते सभी इमॉर्टल क्लैंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हमें यहाँ पर कुछ भी करके होली सन को एग्री करना होगा कि वह डीमंस को पनिश करे। तभी दूसरा इमॉर्टल खड़ा होते हुए बोलता है, तुम पहले यहाँ पर शांत हो जाओ, हम तीनों यहाँ पर होली सन के आने का इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और तो और अब यह होली सन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वह डीमंस के साथ यहाँ पर क्या करते हैं। यह सुनते ही पहला इमॉर्टल गुस्से में बोलता है, मैं इतनी आसानी से डीमंस को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, और अगर होली सन ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ हाथ मिला लो, अगर हम तीनों एक साथ मिलकर डीमंस के ऊपर अटैक करें तो काफी आसानी से उन्हें हरा सकते हैं। तभी अचानक से उसके सर के ऊपर एक सेब आकर गिरता है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर मेरे ऊपर यह फेंकने की हिम्मत कैसे हुई। और अब वह पीछे देखता है तो एक एप्पल के पेड़ से एक लड़की वहां पर एप्पल तोड़ रही होती है, और इसी वजह से वह एप्पल उस इमॉर्टल के सर के ऊपर जाकर गिरा होता है। अब वह लड़की उससे माफी मांगते हुए बोलती है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब इमॉर्टल माउंटेन के ऊपर उस लड़की को देखकर तीनों इमॉर्टल्स हैरान हो जाते हैं, और अब एक इमॉर्टल आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम इस जगह पर कैसे आई, क्योंकि यहाँ पर बिना होली सन के परमिशन के कोई भी नहीं आ सकता है। पर वह लड़की ठीक से उन सभी लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे रही होती है, इसीलिए वह इमॉर्टल्स उस लड़की को पकड़कर अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, पर अचानक से वह लड़की उनके सामने से गायब हो जाती है, जो देखकर उनमें से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वह तीनों देखते हैं कि वह लड़की उनके पीछे खड़ी होती है, जो देखते ही वह तीनों गुस्से में अपने काफी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं, पर वह लड़की उन तीनों के अटैक्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जो देखकर वह तीनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पर अब वह लड़की गुस्से में उन तीनों इमॉर्टल्स को देख रही होती है, पर तभी वह चिल्लाते हुए बोलती है, तो तुम फाइनली इस जगह पर आ ही गए। यह सुनते ही वह तीनों इमॉर्टल अपने पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। और अब वह तीनों दोबारा से उस लड़की की ओर देखते हैं, तो वह पाते हैं कि होली सन उस जगह पर आ चुका होता है। वहीं वह लड़की रोते हुए होली सन से बोल रही होती है कि पहले इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया, इसीलिए अभी वह इन्हें जान से मारने वाली थी, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। पर होली सन वहां पर उसे शांत करते हुए बोलता है, तुम थोड़ी दूर जाकर वहां मौजूद एप्पल खाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आया। साथ ही साथ वह उस लड़की का गुस्सा शांत करने के लिए उसे एक एलिक्सर की बोतल भी देता है, जिस बोतल को लेकर वह लड़की वहां से दूर चली जाती है। अब होली सन एक जगह पर बैठता है, तभी वह तीनों इमॉर्टल्स उसके पास आते हुए उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए बोलने लगते हैं, डीमंस ने यहाँ पर चारों ओर तबाही मचा रखी है, और वह लोग एक एक करके धीरे धीरे सभी इमॉर्टल सेक्ट को डिस्ट्रॉय किए चले जा रहे हैं। अब उन सभी लोगों की बात सुनने के बाद होली सन बोलता है, मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगा, तो अब तुम तीनों वहां से जा सकते हो। यह सुनते ही पहला इमॉर्टल बोलता है, पर मास्टर यहाँ पर एक इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर आपने जल्द ही कुछ नहीं किया तो डीमंस सभी इमॉर्टल्स को मार देंगे, तो आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा। पर तभी होली सन गुस्से में उन तीनों को देखने लगता है, जो देखते ही वह तीनों होली सन से माफी मांगते हुए वहां से चले जाते हैं। अब उन तीनों के वहां से जाने के बाद होली सन उस लड़की को अपने पास बुलाता है, और अब वह बोलता है कि मैं यहां पर चाहता हूं कि तुम जाकर डीमन क्लैन के एल्डर मिस्टर यू से मिलो,
और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।